आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो ये लकड़ी सारे हमने रखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे 3 पीस लकड़ी जो कि लेके रखा हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने जो कि लकड़ी फाइनली कटिंग करके रेडी कर लिया हमने। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने 3 पीस फट्टा जो फाइनली ज्वाइन करके रेडी कर लिया है। देख सकते हैं हमारा फट्टा जो हमने ज्वाइन किया हुआ था वो सारे रंडा मार्कर फाइनली पूरी तरह से हमने जो है कि कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हैं इसका जो कि साइड में यहाँ पे जो कि इसका साइड में सेरेट का कटिंग करने का काम जो वो रह गया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आपने देखा पिछले वीडियो में मैंने इस दरवाज़ा का फ्रेम को जो है किस तरह से होल करके इसको हमने तैयार करके रखा हुआ है। तो दोस्तों आज मैं जो इसका सेरेट के लिए लकड़ियाँ जो है कि कटिंग करके इसको ज्वाइन करके तैयार करने वाला हूँ। तो चलिए मैंने इसके लिए कौन कौन सा लकड़ी जो है कि रेडी करके रखा हुआ है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो ये लकड़ी सारे हमने रखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे 3 पीस लकड़ी जो कि लेके रखा हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो दरवाजे का इसका सेलेट जो बनाना है उसके लिए हम लकड़ी जो है ये वाला लेके रखा हूँ। तो चलिए अभी इसको जो है कटिंग करके ज्वाइन करने का काम करेंगे। तो आप लोग भी देखिए दोस्तों एक लकड़ी को ज्वाइन किस तरह से किया जाता है। तो चलिए कटिंग करने का काम शुरू करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों हमने जो कि लकड़ी फाइनली कटिंग करके रेडी कर लिया। हमने जो कि लकड़ियाँ 6 पीस कटिंग कर लिया, यानी कि 3 पीस हमने फत्ता रखा था, तो 3 पीस का हमने 2-2 पीस करके कटिंग करके रेडी कर लिया है। तो अब चलिए इसको ज्वाइन करने का काम शुरू करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने 3 पीस फटा जो फाइनली ज्वाइन करके रेडी कर लिया है। तो अभी और 3 पीस हमारा ज्वाइन करने का काम रह गया है। तो चलिए इसको भी फटाफट से ज्वाइन करके रेडी करते हैं। फिर उसके बाद इसको हम फेविकोल लगा के जो कि धूप में सुखा देंगे। सूखने के बाद जो इसको हम कटिंग करके इसको साइज में बनाने वाला हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहे दोस्तों वीडियो पे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है कि फट्टा
सारे ज्वाइन करके रेडी कर लिया है। तो आप चलिए दोस्तों इसको हम फेवी को लगा के जाएंगे, धूप में ज्वाइन करके सुखा के रख देंगे सूखने के लिए। तो चलिए फेवी को लगा के इसको ज्वाइन करने का काम शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने दोनों फट्टे को जो कि फेविकोल लगा के ज्वाइन करके हमने यहाँ पे रख लिया है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों अभी हमने ये सुबह का समय है, अभी हम इसको जो फट्टा को ज्वाइन करके रखा हुआ है, तो ये दोस्तों दोपहर तक जो ये सूख कर हो जाएगा, काम में ले सकेंगे हम इसको आराम से। तो दोस्तों आप काफ़ी ज़्यादा धूप लग रहा है, उसको वजह से जो कि सूख जाएगा। तो चलिए सूखने देते हैं, दोपहर के बाद काम लगाते हैं। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जो सुबह के समय में ये फट्टा जो ज्वाइन किया हुआ था वो अभी दोस्तों पूरी तरह से जो कि सूख चुका है। तो अब इसको अपने काम पे ले सकते हैं इसको। तो दोस्तों मैंने सुबह के समय इसको ज्वाइन किया था, अभी दोपहर के 2:30 बज रहा है, तो सुबह समय ज्वाइन किया था, अभी सूख पूरी तरह से टाइट हो चुका है इसको। तो अभी हम इसको जो कि बीच पे चीर के इसको अपने काम में लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों हमने इसको चीरने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे बीच में हमने एक निशान लगा के रखा हुआ है, दोनों फट्टे में निशान लगाया दोस्तों। तो बीच में चीर के हम इसको चार पीस कर देंगे, चार पीस करने के बाद एक को तो फिर इस तरह से चौड़ाई में भी कटिंग करेंगे, यानी कि इसमें एक पीस में हम चार पीस निकालेंगे और इसमें दो पीस निकालेंगे। तो हमारा टोटल दरवाजा का सेलेट जो बनाना है वो हमारा 6 पीस का ज़रूरत है। तो 2 पीस तो लंबा है सेलेट का है और 2 पीस छोटा छोटा टुकड़ा है बनाना है, तो इसलिए हमने सारे सेलेट को इस तरह से रखा हुआ है। तो दोस्तों आप चलिए इसको बिना देर के इसको बीच में चीर लेते हैं, चीर के इसको रंडा मार के इसका साइज भी बनाकर जो कि सेलेट का निशान वगैरह लगाने का काम करते हैं। तो आप लोग बने रहे दोस्तों वीडियो पे। जैसे कि आपने देखा, हमने फट्टे जो इन सारे फट्टे को किस तरह से कटिंग करके हमने इसको तैयार कर लिया है। तो अब चलिए इसको रंडा भी मारते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी देखिए किस तरह से ज्वाइन किए वाले फट्टे को रंडा किस तरह से मारे जाते हैं, तो वो भी आप लोग देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के रंडा मारने का काम जो है शुरू करते हैं।
दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने 21 फट्टा को जो कि फाइनली रन्ना मार के इसका साइज भी जो कि कर दिया है। तो हमारा ये लकड़ी जो ज़्यादा मोटा नहीं था, पतला था, उसको वजह कि रन्ना मारने के बाद जो कि इसका देख सकते हैं मोटाई 1 इंची में रह गया है। तो 1 इंच से भी हो जाता है दोस्तों दरवाजे का सेलेट बनाने के लिए। तो अब चलिए बाकी सारे और भी सारे लकड़ियाँ हैं तो उसको भी हम रन्ना मार के करते हैं कम्प्लीट। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा फट्टा जो हमने ज्वाइन किया हुआ था वो सारे रन्ना मार्ग फाइनली पूरी तरह से हमने जो है कि कंप्लीट कर लिया, देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सारे रन्ना मार्ग कंप्लीट करके रख लिया है। तो आप चलिए दोस्तों इसको जो है कि सैंड पेपर मारने का काम वो करेंगे। सैंड पेपर मारकर फिर उसके बाद जो है कि दरवाजे के फ्रेम पर रख कर इसका साइज में निशान लगा कर कटिंग करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने 2 पीस फट्टे को जो कि सैंड पेपर मारकर फाइनली कंप्लीट कर लिया है। और अब यहाँ पे छोटा वाला 4 पीस बाकी रह गया है, तो चलिए इसका भी फटाफट से मारकर करते हैं कंप्लीट। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने जो कि वो फट्टे जितने भी सारे सैंड पेपर मारकर फाइनली पूरी तरह से हमने कम्प्लीट कर लिया है। तो अब चलिए दोस्तों इसको हम दरवाजे के फ्रेम पर लगा कर इसके साइज में कटिंग करने का काम शुरू करते हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे दरवाजा का जो फ्रेम के हिसाब में हमने निशान लगा लिया है, चारों तरफ निशान हमने लगा दिया, देख सकते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पे साइड अच्छी तरह से आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अच्छी तरह से बैठ गया निशान। तो इस पर भी हमने तीनों फट्टे पे हमने निशान लगाकर तैयार कर लिया है। तब इसका हम इसके हिसाब से कटिंग करेंगे। तो इसको कटिंग करने से पहले दोस्तों अभी ये दूसरा वाला अभी एक और फ्रेम है, तो उस फ्रेम में भी जो है कि निशान लगा लेते हैं, फिर एक ही साथ में दोनों को कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने जो है कि दरवाजे के सेलेट को सारे निशान लगाकर कंप्लीट कर लिया है। तो अब चलिए दोस्तों इसको कटिंग करने का काम जो वो शुरू करते हैं। यह काटने के लिए हमने इसका इस तरह से जो कि निशान अच्छी तरह से लगा दिया है। तो चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने देखा, मैंने सारे फट्टे को किस तरह से जो है कटिंग करके कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों हमारा कटिंग करके भी ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अभी इसको जो है कि इसका जो कि साइड में यहाँ पे जो कि इसका साइड में सेलेट का कटिंग करने का काम जो वो रह गया है, बाकी तो हमारा सारा तैयार हो गया। अभी सिर्फ इसका सेलेट कटिंग करने का काम ही जो है कि रह गया है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, मैंने इन सारे फट्टे को किस तरह से जो कि ज्वाइन करके और रन्ना मार के भी हमने इसको फ्रेम के साइज में कटिंग करके रेडी करके हमने रख लिया। तो अभी इसको जो है सिर्फ सेलेट का डिज़ाइन जो है वो कटिंग करने का काम रह गया है। तो दोस्तों मैं इसका सेलेक्ट कटिंग करने वाला वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बना के जो दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो
ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।